हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि UPPCL JEE की एग्जामिनेशन जो कि रेगुलरली होती रहती है, उसकी तैयारियां ऑल ओवर इंडिया में सभी बच्चे जो हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी UPPCL JEE एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही बेस्ट लेवल पर प्रिपरेशन करें और वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन जो है उन्हें लें, वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व करें। पैटर्न लगातार बदल रहा है UPPCL का, तो उसे प्रॉपर फॉलो करना जरूरी है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपर्ट्स उस पैटर्न को फॉलो करते हैं उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के रखे हुए हैं, उन एक्सपर्ट के गाइडेंस में आप पढ़ाई करें। और ये सारे के सारे ऐसे एक्सपर्ट्स जो हैं वो अद्वैत एजुकेशन ANJEE एग्जाम्स की टीम आपके लिए कलेक्ट करके रखी हुई है और आपके पास मस्त जबरदस्त क्यूरेटेड कंटेंट लगातार पहुंचाती रहती है। तो इसी सीरीज में एक शॉर्ट सा क्वेश्चन सेशन जो है वो प्लान किया हुआ मैंने कि आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो भी लिया जाए UPPCL JEE का, सो दैट कि थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहे किस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो हालांकि UPPCL JEE के हिसाब से अगर आप देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो कुछ कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी अब आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते थे, बट अब ऐसे सवाल भी देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल सम न्यू सब्जेक्ट्स एज वेल, और भी नए सब्जेक्ट जो इंक्लूडेड है वो भी हैं। और इसी के रिगार्डिंग अद्वैत एजुकेशन ANJEE एग्जाम्स की टीम ने आप सब स्टूडेंट्स के लिए मस्त तरीके का एकदम बेस्ट लेवल का कोर्स जो है फॉर UPPCL JEE एग्जामिनेशन लॉन्च किया हुआ है। इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये सवाल पहले लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है। लिखा हुआ है द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट शोन ग्राफिकली फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 2 सेकंड्स इज, यहां पर इस सवाल में आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है वो फाइंड करने को बोला हुआ है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जब आप इसको डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना, जब आप इसको पूरे डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि यहां पर ये करंट की वेव फॉर्म है और ये करंट की पीक वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, है ना, 10 एम्पियर्स, और टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये आपको एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की तरह दिखेगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ठीक है, उसमें से दो तरीका मैं आपसे चलिए डिस्कस कर लेता हूं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक कन्वेंशनल तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो बेसिक सा मेथड कि आपको कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, एवरेज निकालने का जो बेसिक मेथड है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का बेसिक मेथड है जो हर टाइप की वेव फॉर्म पर लागू हो जाएगा, पहले वहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सपोज कर लीजिए ये आपकी वेव फॉर्म है जिसका एवरेज निकालना है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन एज IAV इज इक्वल्स टू एरिया 1 प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ड्यूरेशन। मतलब देखिए, इतने हिस्से को मैंने एरिया 1 बोल लिया और इस पूरे हिस्से को मैंने एरिया 2 जो है वो कंसिडर कर लिया। अब आप देखिए कि ये ऐसा एक पूरा का पूरा सेक्शन है जो कि ट्रायंगुलर है। ठीक है, और इस ट्रायंगुलर सेक्शन के तरीके से अगर आप देखें तो ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, इसका एक अलग कंसेप्ट बनता है सॉल्व करने का। लेकिन फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल के तरीके से देखिए, है ना, आप इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के नजरिए से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा और सिमिलरली आपको इधर एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो मैंने आपको बोला कि इसको 1 और इसको 2 ले लेते हैं, इन दोनों सेक्शंस का एरिया निकालते हैं। ठीक है, चलिए, कैसे निकलेगा एरिया, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज गिवन एज, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी गिवन एज, देखिए ड्यूरेशन कितनी है 1, यहां भी ड्यूरेशन 1 है और यहां पर भी ड्यूरेशन 1 है। ठीक है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 10, ठीक है, हाफ बेस इंटू 10 आई मैक्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 5, और वैसे एरिया 2 जो है, एरिया 2 जो है इसको कैसे लिखेंगे, दिस विल ऑल्सो बी हाफ 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 5। इसको पुट कर देते हैं यहां पर, एक्सप्रेशन में आ जाएगा IAV इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ड्यूरेशन दैट इज 2 विच इज इक्वल्स टू 10 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो ये आ गई आपके पास एवरेज वैल्यू दैट इज 5 एम्पियर्स। कंप्लीट ये सॉल्यूशन पूरे कंसेप्ट के साथ। अब इसे सॉल्व करने का एक और तरीका था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका था आपके पास, क्या तरीका था,
राइट हैंड साइड पे आपको बताता हूँ इसका तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपने हर तरीके की वेवफॉर्म को स्टडी किया हुआ है प्रॉपरली, जैसे कि हम कौन कौन सी वेवफॉर्म्स को स्टडी करते हैं नॉर्मली इन जनरल बीडब्ल्यू पढ़ने के दौरान, कौन कौन सी वेवफॉर्म को आप स्टडी करते हो, एक साइन वेव को स्टडी करते हो, ठीक है, एक फुल वेव रेक्टिफाइड है ना, और दूसरा ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर वेव को आप स्टडी करते हो है ना, सॉ टूथ को स्टडी करते हो और स्क्वायर वेव को स्टडी करते हो, ऐसे बहुत सारे टाइप के वेव्स को आप स्टडी करते हो नॉर्मली, जिनमें से ये जो है इट इज़ अ ट्रायंगुलर वेव। अब ऐसे वेव्स के लिए आप दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक आई आर एम एस का इक्वेशन पढ़ते हैं और दूसरा आई एवरेज का इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, एक आई आर एम एस का इक्वेशन पढ़ते हैं और दूसरा आई एवरेज का इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर आपने आई एवरेज का इक्वेशन पढ़ा हुआ है सो यू विल फाइंड कि आई एवरेज का फॉर्मूला होता है आई एम डिवाइडेड बाई टू। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 और ये क्वेश्चन इसी के साथ हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसी के साथ हो जाएगा कंप्लीट मस्त तरीके से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी के साथ हो जाएगा कंप्लीट और आप लिखेंगे आई एम बाई टू, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म अगर है तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, डायरेक्ट सा है, ठीक है, तो आई एम बाई टू मतलब आप लिखेंगे 10/2 दिस विल बिकम 5 एम्पियर और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देख लीजिए ये आंसर, इतने स्टेप्स के बाद ये आंसर डायरेक्ट स्टेप्स है, सीधे सीधे अगर आपको इन वेव फॉर्म्स का आउटकम पता है तुरंत तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं आप किसी भी टाइप के सवाल में और बहुत ही बेस्ट वे में आप आंसर पे पहुंच सकते हैं, बहुत ही बेस्ट वे में आप सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी के साथ चलिए मैं आपको फटाफट से इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि UPPCL JEE बैच 2022 जो है वो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव क्लास जो है ये कोर्स कंप्लीटली आप ही के लिए डिजाइंड है बिल्कुल बेस्ट वे में। UPPCL JEE के एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पे आप कर सकते हैं क्योंकि UPPCL JEE के एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, उनके सिलेबस में सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है वो रेगुलरली चेंज होता रहता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक फैकल्टी, एक टीम जो आपको गाइड करे वो बेस्ट लेवल पे उस पैटर्न में होने वाले चेंज को समझती हो और इसी के रिगार्डिंग रेगुलरली ये कोर्स कंटेंट पूरा आप लोगों के लिए रिवाइज होता रहता है और इस फॉर्म में ये कोर्स रिलीज किया गया है इस बार भी, ठीक है, तो एक साल की पूरी वैलिडिटी है और अभी फिलहाल ऑफर प्राइस में ये कोर्स आपको 4,500 में अवेलेबल हो जाएगा। तो UPPCL JEE की तैयारी बेस्ट लेवल पे करने के लिए इस कोर्स में एनरोल होना जरूरी है और एनरोल होने का तरीका कुछ सिंपल सा है, करना बस इतना है कि आपको गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से UPPCL JEE बैच 2022 पे एनरोल हो जाइए खुद से, और अगर इन केस किसी भी टाइप की क्वेरी आती है, कोई दिक्कत जाती है एनरोल होने के दौरान, तो ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपनी क्वेरी जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है, देरी बिल्कुल भी मत कीजिए, मस्त लेवल पे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए बढ़िया लेवल पे और लाइफ में और करियर के एस्पेक्ट में सबसे आगे रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।